हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वर्डप्रेस का कुछ सीरीज चल रहा था, दो तीन क्लास हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद मैं ये बताया था कि उसमें थीम वगैरह किस तरह से आप इंस्टॉल कीजिएगा अपने वर्डप्रेस के टेक्स्ट बुक में जाके, बैकएंड में जाके। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ कि क्या क्या वर्ड वर्डस्टॉप सॉरी डेस्कबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में जो जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में पोस्ट से लेके पूरा सेटिंग के नीचे तक मैं बताना चाहता हूँ। इसका 4-5 क्लास चलेगा, तो उसका पूरा का पूरा प्ले लिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं बार बार डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जो न्यू यूज़र होंगे या जो न्यू यूट्यूबर होंगे या जो न्यू विजिटर होंगे। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप मान लिया कोई भी वीडियो आप देखते होंगे, तो वीडियो देखने के बाद नीचे के तरफ देखिए शो मोर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो यहीं पर कहीं आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो प्ले हो रहा है, ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसी के नीचे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू एक मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप मोबाइल से देखते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना साइट में आ चुके हैं, फ्रंट एंड में, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लॉगिन करना है, तो लॉगिन हम लोग कैसे करेंगे वर्डप्रेस का बैक एंड में? देखिए ब्राउजर में एड्रेस बार में आपको फ्रंट स्लैश अपना डोमेन नेम फ्रंट सेव और vp-admin लिखना है और इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ से हम लोग लॉग इन होते हैं और हम अपने बैक एंड में चले जाते हैं। तो बैक एंड में कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आज हम लोग इस तरह से इसके ऊपर हम लोग बात करें, ठीक है, ताकि आपको एकदम जीरो लेवल से समझ में आ जाए कि बैक एंड में क्या होता है। और यहीं से हम लोग इसको पर क्लिक करके फ्रंट एंड में जा सकते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरह से दिखेगा। फिलहाल हमारा वेबसाइट एकदम ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कुछ पोस्ट नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं किया गया है। तो किस तरह से दिखता है, तो चलिए हम लोग ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद यहाँ पे होम है, ठीक है, और एक ही चीज़ दिखाता है होम और डैशबोर्ड में। और यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है और पहला ऑप्शन है यहाँ पोस्ट का। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट में हम लोग जाते हैं तो देखिए सिर्फ वर्डप्रेस की तरफ से ही एक पोस्ट आया होगा जो अनकैटेगराइज किया हुआ है। तो हम फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ बल्क एक्शन में जाते हैं, रिमूव टू ट्रैश में क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल एक ये था, एक ही पोस्ट था जो वर्डप्रेस की तरफ से था, हेलो वर्ल्ड, ये देखिए इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पर नथिंग फाउंड, कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो चलिए पोस्ट किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से कुछ पोस्ट कर लेते हैं। तो पोस्ट करने के लिए हमको पोस्ट का ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एड न्यू में या फिर यहाँ से एड न्यू में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ऊपर में पूछ रहा है कोई टाइटल देने, तो जैसे मैं टाइटल देता हूँ व्हाट इज ओके गूगल एंड हाउ टू कॉन्फिगर इट, ये हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना है तो हम एक डमी टेस्ट उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉरेन इप्सन ये डमी टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से हम एक डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं, वहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप अपना डिस्क्रिप्शन के साथ जो रहेगा वही दीजिएगा, ठीक है। तो मैं डमी टेक्स्ट यहाँ से उठाता हूँ,
जैसे ओके गूगल से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन अब लिखना है आपको वही लिखने पड़ेगा। मैं यहाँ से जस्ट डमी टेस्ट उठाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से वर्ड मेरा था उस तरह से आप यहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक टूल बार टॉगल है, अगर ये कुछ छिप जाता है तो यहाँ से आप एक बार क्लिक करके फिर से आप ला सकते हैं। जिस तरह से वर्ड में जो चीज़ यूज करता है आपको यहाँ पे पोस्ट करने में इस तरह से ऑप्शन देता है। तो अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा बेका हो रहा है तो हम इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे हेल्प में जाके आप देख सकते हैं कि क्या बटन किसके लिए है। तो फिलहाल हमको अलाइनमेंट करना है तो हम यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट जे करते हैं तो हमारा अलाइनमेंट हो जाता है। और यहीं पे देखिए राइट हैंड साइड में पब्लिश का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर हम अपना फ्रंट एंड में जाते हैं तो वहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पोस्ट, देखिए यहीं पे देखिए पोस्ट पब्लिश्ड व्यू पोस्ट, यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक करते हैं हमको हमारा फ्रंट एंड में ले आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बता दिया है व्हाट इज ओके गूगल, ये आपका टाइटल हो गया। और यहाँ पे ये जो हम लोग गूगल के बारे में लिखे तो वो इसी तरह से हमको चार पाँच पोस्ट कर देना है। तो फटाफट मैं चार पांच पोस्ट यहां से कर देता हूं। तो देखिए हमने चार पोस्ट कर दिया है। जो सबसे लास्ट में हमने पोस्ट किया है हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, हमने डमी टेक्स्ट लिखा है यहां पे, ठीक है। उसके बाद एक पेटीएम क्या है और एडवांस लेवल में अटेंडेंस किस तरह से बनाए थे, इस तरह से हमारा चार पोस्ट है। तो चारों पोस्ट हमारा जो सबसे लास्ट में वो सबसे ऊपर आया है और जो पुराना होता गया वो नीचे चला गया। इसी तरह से ब्लॉगिंग में पोस्ट होता है, जो सबसे लास्ट में आप पोस्ट कीजिएगा वो सबसे ऊपर में दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा। तो अब तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट तो कर दिए हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हर पोस्ट के हिसाब से उसका कोई पिक्चर, कोई वॉलपेपर हम लोग सेट करें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, मान लिया हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर हमको सेट करना है इसके हिसाब से वॉल। तो हम यहीं पे देखिए एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एड मीडिया का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट फाइल में क्लिक करने के बाद अब हम डेस्कटॉप पे कुछ रखे हैं। यहाँ से जैसे ये किसके बारे में है तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इसको हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट इनटू पोस्ट में क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाउ टू प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से हम चाहे इसको लेफ्ट में डालें या राइट में डालें या अपने हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, देखिए या बड़ा करें या छोटा करें, आप सब कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में डाल दिए हैं और यहीं से जाके आपको अपडेट कर देना है। तो इसी तरह से हमको चारों वॉल जैसे यहाँ पे इस तरह से अपडेट कर देते हैं और हम लोग फ्रंट एंड में जाके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पोस्ट के साथ हमारा ये वॉल भी आ गया है। अगर आप चाह रहे हैं इस वॉल को हम और ज़्यादा एडिट करें, अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहे हैं या कुछ कैप्शन वगैरह देना चाह रहे हैं इसमें, तो आप कैप्शन वगैरह दे सकते हैं और यहाँ से राइट लेफ्ट करिए या लिंक टू, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि थंबनेल फुल साइज, तो फुल साइज में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से अपडेट करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे फुल साइज में आ जाता है। लास्ट में यहाँ पे हमको अपडेट कर देना है और फ्रंट एंड में जाके आप देख लीजिए ये किस तरह से दिख रहा है। देखिए ये आपका पिक्चर आ गया और यहाँ पे आपका
डमी टेक्स्ट जो हमने दिया था वो आ गया। अब चलिए उसी तरह से हम लोग चारों हेडिंग्स से रिलेटेड हम वहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने टाइटल के हिसाब से पोस्ट के साथ हम यहाँ से अपना वॉल में सॉरी पोस्ट में हम पिक्चर भी इंसर्ट कर चुके हैं। अब देखिए हर जो टाइटल है वो कुछ अलग अलग कैटेगरी का है, जैसे व्हाट इज पेटीएम एक हुआ। अब हो सकता है पेटीएम से रिलेटेड हम और भी कोई पोस्ट करें इन फ्यूचर में, ठीक है, और एक्सेल से रिलेटेड और भी कुछ हम पोस्ट करें, ठीक है, और गूगल से रिलेटेड कुछ। तो ये जो है इस तरह से अगर हम कोई ऐसा लिंक हो, जैसे यहाँ पे रिसेंट पोस्ट में तो हमारा आ गया इस तरह से, ठीक है ना, हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट, इस तरह से आ गया रिसेंट पोस्ट में, अपने आप ले लिया है। ये एक्चुअली विजर्ड है, तो विजर्ड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है, इस तरह से सेट किया गया है कि वही फंक्शनलिटी ये प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे हमारा सब पोस्ट आ गया उसके पिक्चर के हिसाब से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक कैटेगरी क्रिएट कर दें ताकि हम उसका ऊपर क्लिक करें तो उससे मिलता जुलता जितना पोस्ट है वो आ जाए। तो उसको हम लोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख, तो चलिए हम लोग कैटेगराइज करने के लिए हम लोग यहाँ से कैटेगराइज का ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर एक कैटेगरी का कुछ नाम डालते हैं। तो चलिए कुछ जो पोस्ट है एक्सेल से रिलेटेड है, कुछ वर्ड से रिलेटेड है, कुछ गूगल से रिलेटेड और कुछ पेटीएम पेमेंट से रिलेटेड है, तो हम इसको फिलहाल कैटेगराइज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं वर्ड से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसका नीचे देखिए कि ये एक स्लैक का ऑप्शन मिलता है। स्लैक का ऑप्शन क्या है, द स्लैक इज द यू आर एल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम। अब मान लिया यहाँ पे हम कोई भी क्लिक करते हैं, जैसे मान लिया कोई भी इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा अपरिचित जोन के बाद 2016-17 ये सब आने के बाद हाउ टू प्रोटेक्ट इस तरह से आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा मनचाहा जो वर्ड है यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब उसी को बोले जाते हैं यूजर फ्रेंडली। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोई मनचाहा वर्ड लिख देते हैं, जैसे एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल्स है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोई अपना वर्ड, जैसे मान लिया यहाँ पर ही, लेकिन स्मॉल लेटर में सब लिखना होगा, जैसे एमएस वर्ड पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट को हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, जैसे दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल्स, यस। सब लिखने के बाद यहाँ पे आप एड न्यू कैटेगरी में आप क्लिक कीजिए तो वो सेव हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे फिलहाल अनरिकॉग्नाइज्ड था अभी तक जो हमने चारों पोस्ट किया था, अब यहाँ पे हमारे सामने एक कैटेगरी बन के आ गया है और इसका स्लग भी बन के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उसी तरह से चारों कैटेगरी बना लेते हैं। चलिए फटाफट उसको हम लोग बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा चारों कैटेगरी बन चुका है और एक अनरिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अनकैटेगराइज किया गया है। तो हम चाह रहे हैं हमारा जितना भी पोस्ट है वो सब अपने अपने कैटेगरी में चला जाए, जो बंदा उसको क्लिक करे उससे रिलेटेड ही वो पोस्ट उसको मिले। तो यहाँ पे हम ऑल पोस्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे हमारा चार पोस्ट है, चारों पोस्ट अनकैटेगराइज है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पहला पोस्ट जो हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको वर्ड वाले कैटेगरी में हम लोग पोस्ट करेंगे। तो यहाँ एडिट पे हम लोग क्लिक करते हैं और उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे कैटेगराइज जो है ये आ चुका है, पूरा कैटेगरी आ चुका है। तो हम चाह रहे हैं
ये वाला एमएस वर्ड से रिलेटेड है तो हम इसको वर्ड में डालें। तो यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड से रिलेटेड कौन वाला है, ये देखिए एमएस वर्ड ट्यूटोरियल है, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम यहां से इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग चारों को अपडेट करते हैं। अब यहां से हम लोग इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो ये हमारा जो कैटेगरी है ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट का कैटेगरी के साथ भी यहाँ पे आया। अब इसके ऊपर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा उससे रिलेटेड ही पोस्ट में ले जाएगा। यहाँ देखिए कैटेगरी, उसी तरह हम लोग चारों कैटेगरी को कैटेगराइज कर लेते हैं, चारों पोस्ट को कैटेगराइज कर लेते हैं। चलिए तो देखिए हमने यहाँ पे सबको को कैटेगराइज कर दिया है अपने अपने पोस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके आप देखिए यहाँ पे आपको पहले अनकैटेगराइज मिलता था, सिर्फ अनकैटेगराइज का ऑप्शन था। अब यहाँ पर ही कैटेगरी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ही कैटेगरी बन चुका है। अब हम जिसका ऊपर क्लिक करेंगे जैसे पेमेंट ट्यूटोरियल्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड, चाहे वो भीम ऐप से रिलेटेड हो या कुछ भी हम आइंदा पोस्ट डालते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे उस कैटेगरी से रिलेटेड सारा पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल हमने अभी एक ही किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टैग का ऑप्शन और कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल खाली है और यहाँ पे जिस डेट में हमने पोस्ट किया है उसका डेट एंड टाइम दिखा रहा है। चलिए हम लोग एक कमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हाउ टू व्हाट इज पेटीएम एंड हाउ टू यूज इट में हम कमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नीचे में या यहाँ पे देखिए लीव कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। आप अपना मेल से लॉगिंग कर रहिएगा जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे हम कुछ कमेंट कर दें। रियली गुड कीप पोस्टिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट करने के बाद हमारा कमेंट उस पोस्ट के हिसाब से हमको एक कमेंट मिल जाता है, जैसे व्हाट इज पेटीएम हाउ टू यूज में एक हमारा यहाँ पर ही एड्रेस आ जाता है किसने पोस्ट किया है और यहाँ पे पोस्ट का जो डेटा था वो दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको फिलहाल कमेंट का जगह में कुछ नहीं था। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के पास यहाँ पे एक दिखता होगा आपको, एक कमेंट हमारा आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एडिट करके देख लेंगे कि ये कमेंट किसने किया है, ये अप्रूव होने लायक है भी या नहीं, उसको अप्रूव और डिसअप्रूव हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो एडिट पोस्ट में हम लोग जाते हैं या कमेंट में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कमेंट वाला जो भी पोस्ट बंदा कमेंट किया होगा वो यहाँ पर हमको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस दिख रहा है और यहाँ पे दिस इज रियली गुड कीप पोस्टिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ना दिखाएं अपने वेबसाइट में तो यहाँ से आप इसको अनअप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही अनअप्रूव करिएगा ये नहीं दिखेगा आपको और यहीं पे देखिए ये पेंडिंग में चले आता है। ठीक है, तो पेंडिंग को आप क्लिक करके देख लीजिए कि इसमें है क्या। पेंडिंग को आप क्लिक करके देखिएगा तो बाद में आप चाहें तो उसी पोस्ट को अप्रूव या डिस अप्रूव कर सकते हैं, आपका वेबसाइट में दिख सकता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला फिलहाल पेंडिंग में। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं इसको अप्रूव करना तो यहीं पे नीचे में फिर से हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये फिलहाल अप्रूव हो गया है। अब इसको रिफ्रेश करिएगा तो हमारा वेबसाइट में यहाँ पे ये दिखेगा जिस तरह से दिख रहा था। ठीक है, अगर हम वहां से डिसअप्रूव कर देंगे या पेंडिंग में रख देंगे तो ये वाला पब्लिकली नहीं दिखेगा। अगर हम चाह रहे हैं ऑल पोस्ट में हम लोग चलते हैं, अगर हम चाह रहे हैं किसी पोस्ट को हम डिलीट करना तो हम इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहां से हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड वाला इसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके और यहाँ पे आपको ट्रैश का ऑप्शन मिलता है
इसको आप डिलीट करिएगा, ये वाला ऑल पोस्ट से चले जाएगा और सिर्फ तीन ही रहेगा। इसको आप फ्रंट व्यू में देख लीजिए तो हमारा तीन ही पोस्ट यहाँ दिखेगा टोटल, ठीक है ना, तीन पोस्ट दिखेगा यहाँ टोटल। देखिए व्हाट इज पेटीएम दिख रहा है, हाउ टू क्रिएट एडवांस दिख रहा है, और व्हाट इज गूगल दिख रहा है, चौथा वाला गायब, क्योंकि हम लोग इसको वहां से और यहाँ से इसके साथ जो कैटेगरी था वो भी चला गया, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि जो पोस्ट था हम उसको फिर से ले आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ, देखिए आपका ट्रैश में आपका वो चला गया होगा, फिर से हम इसको रिस्टोर करते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे रिस्टोर करते हैं, देखिए यहीं पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए जैसे ही हम इसको डिलीट करते हैं हम कोई भी पोस्ट को वो पब्लिकली नहीं दिखेगा। अगर हम चाहते हैं वही पोस्ट को फिर से हम अपने पब्लिकली दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए पब्लिश तीन पोस्ट है, ठीक है, और ट्रैश में तीन पोस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रैश में जाते हैं, या जो भी आप अभी हमने ट्रैश किए थे इसको यहीं से अंडू कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रैश में जाके देख लेते हैं कौन कौन पोस्ट को हमको फिर से लाना है। देखिए हाउ टू प्रोटेक्ट वाला जो है इसको हम लोग लाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड जो वर्डप्रेस की तरफ से मिला था इसको हम भी ट्रैश में डाल दिए थे, तो इसको भी हम लोग लाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके और यहीं पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो वो जो पोस्ट हमारा ट्रैश में गया हुआ था वो फिर से हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऑल पोस्ट में जाके देखते हैं, देखिए ऑल पोस्ट में हमारा आ जाना चाहिए, सॉरी ट्रैश में जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद और बल्क एक्शन में जाकर रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर करने के बाद अप्लाई कीजिए तो वो क्या होगा, हमारा जो जो पोस्ट हमने डिलीट किया था वो फिर से आपको मिल जाएगा। ऑल पोस्ट में जाइए और यहाँ देखिए आपका सारा का सारा पोस्ट, इवन हेलो वर्ल्ड वाला जो था वो भी आ गया। अब इसको फ्रंट एंड में इसको आप क्लिक करके आप देख लीजिए तो तमाम चीज आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। इवन हेलो वर्ल्ड जो हम लोग डिलीट किए थे फर्स्ट टाइम वो भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ ऑल पोस्ट में देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से ऑल डेट को चाहते हैं या कोई पार्टिकुलर डेट को आप फिल्टरिंग करना चाहते हैं, यहाँ से वो पार्टिकुलर डेट को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से फिल्टर में क्लिक करिएगा तो उस डेट में जो भी पोस्ट आपने किया है वो सब पोस्ट आ जाएगा। और आप चाह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज देखना तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप पेमेंट वाला में जाके फिल्टर करिएगा तो सारा चीज आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब रह गया बात टैगिंग। टैगिंग होता क्या है, जैसे मान लिया हम लोग ऑल पोस्ट में जाके हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोग टैग करना चाह रहे हैं, कोई टैग माने कोई कीवर्ड देना चाह रहे हैं। कीवर्ड मतलब ये सर्च इंजन से रिलेटेड ऑप्शन है, ठीक है ना। अब हम इसको टैगिंग करना चाह रहे हैं तो यहीं पे नीचे में देखिए एक तो ऑप्शन मिलता है, उससे मिलता जुलता जो भी चीज आप डालिएगा। जैसे ये क्या है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट, मतलब आप अगर अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं कोई वीडियो और यहाँ पे आप उसका टाइटल लिखते हैं और यहीं पे नीचे में आपको ऑप्शन भी मिलता है कि टैगिंग का, जैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट योर व्हाट्सएप अकाउंट फ्रॉम हैकिंग, तो वो कौन सा ऐसा ऐसा वर्ड आप दीजिए जो यूजर्स हैं जो विजिटर हैं वो जब सर्च करेंगे आपके यहाँ पे इस चैनल में तो उस तरह का वर्ड आपको मिल जाए। तो हमने यहाँ पर लिखा है व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोटेक्ट व्हाट्सएप, इस तरह से कोई कीवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग पोस्ट में भी टैग करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग टैग कर देते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद लिखते हैं पासवर्ड
प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह का वर्ड अगर खोजेगा कोई बंदा तो यहां से मिल जाएगा। तो दो तरह का हम टैगिंग यहां दे देते हैं और यहां से हम लोग अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहां से हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी वर्ड है यहां पे टैग में देखिए आपको मिल जाता है। अगर इस तरह से भी कोई गूगल में सर्च करेगा तो यही पोस्ट उसको दिखेगा या इससे मिलता जुलता कोई भी पोस्ट, ठीक है। अब रह गया बात इसमें और क्या करना बाकी है। टैगिंग हो गया, ऑल पोस्ट हो गया, ऐड हो गया, ऐड न्यू हो गया, मोटा मोटी पोस्ट से रिलेटेड सारा जानकारी हम लोग दे दिए हैं। और अगला वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप पेज वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो ये सीरीज दो तीन सीरीज चलेगा जो बेसिक चीज है जो सबको जानकारी की जरूरत है। तो चलिए हमसे बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी अपडेट हम करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए।